न्यूज़ युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। बारा के शाहबाद उपखंड के ग्राम कस्बा थाना कस्बे में एक महिला की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्राप्त जानकारी अनुसार कस्बा थाना सदर बाजार निवासी पूजा गर्ग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पुलिस विभाग और चिकित्सा विभाग मौके पर पहुंचे और क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी घोषित किया गया। साथ ही पॉजिटिव आई महिला पूजा गर्ग को बारा कोविड सेंटर में ले जाया गया। वहीं पूजा गर्ग के संपर्क में आए 31 लोगों को केलवाड़ा कोविड सेंटर में क्वारंटाइन किया गया है। वहीं दूसरी ओर कस्बे में पॉजिटिव मिलने से चिकित्सा विभाग ने पूरे कस्बे में सर्वे शुरू कर दिया है। इस संबंध में कस्बा थाना थानाधिकारी मानसिंह हाड़ा और शाहबाद के BCMO आरिफ शेख का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। पुलिस का जाब्ता दोनों तरफ लगा दिया गया है और इस गली को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया है, जिसको बैरिकेड लगा के इसको पैक करवा रहे हैं। किसी हर तरह से इनको समझाइश की जा रही है, पूरे परिवार को डॉक्टर साहब आ गए, टीम आ गई, वो लेके जा रहे हैं और सबको समझाइश कर दिया गया है कि कोई यहाँ से निकले नहीं, मास्क लगा के रहें, अनावश्यक कोई निकले नहीं, और इसको पूरा करवा दिया है, सील करवा दिया है। दो महिला पॉजिटिव आई है, इसकी सूचना हमको 5 तारीख को लगी थी कि ये महिला शिवपुरी से आई है। जैसे हमको पता लगा 6 तारीख को हमने 5 तारीख की रात को हमने इसको होम आइसोलेट कर दिया था तथा 6 तारीख को हमने इसको समरानिया जांच करने के लिए बुलाया था। जांच करने के पश्चात आज सुबह में रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अंदर जो पूजा गर्ग नाम की महिला है ये कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अभी तक इसके अंदर कोई भी ऐसे कोई लक्षण नहीं मिल रहे हैं। हमने इसकी हिस्ट्री प्राप्त करी तो हमें पता लगा कि शिवपुरी में जहाँ ये रहती थी उसी घर से 5 लोग शिवपुरी में पॉजिटिव आए थे। उसके पश्चात ये महिला वहाँ से अपने घर पर कस्बाना आ गई थी। हाल फिलहाल हमारे हम इसको 12 आमापुरा हमारा कोविड केयर सेंटर है वहाँ शिफ्ट कराएंगे तथा वहाँ इलाज किया जाएगा। और इनके जो जितने भी कॉन्टेक्ट पर्सन हैं, जो परिवार के हैं, जिनसे संपर्क में आई है, उन सबको हम केलवाड़ा के कोविड केयर सेंटर में रख के इनकी सैम्पलिंग कराई जाएगी। सैम्पलिंग कराने के पश्चात जब तक इनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, जब तक ये कोविड सेंटर केलवाड़ा में ही रहेंगे। अगर रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त होती है तो इनको वहाँ से डिस्चार्ज करके वापस घर में होम आइसोलेट कर दिया जाएगा 14 दिनों के लिए। अगर इनमें से कोई पॉजिटिव आता है तो उसके अगली फिर फर्दर आगे कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना पॉजिटिव आई महिला पूजा गर्ग शिवपुरी MP में शादी समारोह में गई हुई थी, जहां एक साथ 20 पॉजिटिव केस मिले थे। इसकी जानकारी चिकित्सा विभाग को लगी, तब जाकर सैंपल लिया गया था और महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।